आज प्यार करने वाले लोगों के लिए बड़ा खास दिन है। आज के दिन लोग अपने प्यार को पाने, अपने प्यार को मनाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। पूरे हफ्ते प्यार को आगे बढ़ाने के बाद जब 14 फरवरी आती है तो सभी प्यार करने वाले आज के दिन को बड़ा खास बनाने के लिए पूरा जतन करते हैं। लेकिन आज हम अपनी स्टोरी में आपको बताएंगे कि अपने वैलेंटाइन को खास बनाने के लिए भारतीय टीम के क्रिकेटर क्या क्या करते हैं, किस तरह से अपना वक्त निकालते हैं। तो सुनिए, भारतीय कप्तान विराट कोहली और बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा काफी स्टाइलिश जोड़ी मानी जाती है। सार्वजनिक रूप से भी कई बार दोनों की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिली। हालांकि शादी से पहले दोनों ने सार्वजनिक रूप से कभी भी एक दूसरे के साथ रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अब शादी के बाद जरूर अनुष्का विदेश दौरों पर भी अपने पति विराट का उत्साह बढ़ाती हुई नजर आती है। लेकिन इस वैलेंटाइन को खास बनाने के लिए अनुष्का कोहली से मिलने के लिए न्यूजीलैंड पहुंच गए, तो वहीं एमएस धोनी फिलहाल क्रिकेट से दूर हैं और अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। मैदान पर वो जितने हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, अपनी निजी जिंदगी में वे उतने ही रोमांटिक हैं। साक्षी के साथ एक रिश्ते में बंधे हुए धोनी को करीब 10 साल बीत चुके हैं, मगर इतने सालों के बाद भी इस कपल ने अपने रिश्ते में एक नयापन बनाए रखा। भारतीय वनडे क्रिकेट के उप कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी मैनेजर रितिका सचदेहा को अपना जीवन साथी चुना था। मैच के दौरान अक्सर रितिका स्टैंड से अपने पति का सपोर्ट करती हुई नजर आती है। जब भी रोहित शतक या फिर किसी बड़े रिकॉर्ड के करीब होते हैं तो वो टेंशन रितिका के चेहरे पर भी कई बार नजर आई। टीम इंडिया के गब्बर यानी शिखर धवन ने जब आयशा मुखर्जी को अपना जीवन साथी चुना था तो कुछ लोगों को ये रिश्ता पसंद नहीं आया था। दरअसल आयशा पहले से ही तलाकशुदा थी और वो भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन से भी उम्र में 7 साल बड़ी। अक्सर ये कपल अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया वाले घर पर नजर आते हैं। दिनेश कार्तिक और स्क्वॉश खिलाड़ी दीपिका पल्लिकल को शादी के बंधन में बंधे हुए करीब 5 साल होने को है और इनकी लव स्टोरी भी काफी खास है। दोनों ही पेशेवर खिलाड़ी हैं और अपने अपने खेल में दोनों काफी व्यस्त रहते हैं, मगर इसके बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए समय निकाल ही लेते हैं। कभी दीपिका अपने पति का उत्साह बढ़ाने के लिए स्टैंड में नजर आती है तो कभी दिनेश अपनी पत्नी का उत्साह बढ़ाने के लिए जाते हैं। व्यस्त रहने के बावजूद ये कपल लगातार छोटी छोटी छुट्टियों पर जाता है। तो देखा आपने कैसे अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद भी ये खिलाड़ी अपने प्यार अपने जीवन साथी से मिलने के लिए किस तरह से अपना टाइम निकालते हैं। तो आप अपना वैलेंटाइन किस तरह से मनाएंगे, आप अपने प्यार से मिलने के लिए किस तरह से टाइम निकालते हैं, और अपना ऐसा कोई वाक्या हमारे साथ शेयर करें जब आपको अपने प्यार से मिलने के लिए कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।